बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साबर हसन, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सरसों का साग ये पंजाब की मशहूर रेसिपी है, पंजाब की मशहूर सगात है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं सरसों का साग। साग हमने लिया है 1 किलो। साग को हमने ब्रेक ब्रेक काट लिया है। पालक हमने ली है 1/2 किलो। पालक को भी हमने ब्रेक ब्रेक काट लिया है। साग को प्रेशर में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को डालने के बाद अब हम इसमें पालक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक और साग को प्रेशर में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग और पालक सिर्फ डालिए हमने प्रेशर में और पानी डाला है। ऊपर ढकना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने जला लिया है, अब हम प्रेशर को रखेंगे चूल्हे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर को हमने चूल्हे पर रख दिया है। प्रेशर की सीटी चलने के बाद साग को हम 15 मिनट तक पकाएंगे। हमारे प्रेशर की सीटी को चलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। साग हमारा अच्छी तरह गल चुका होगा। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हम साग को इस मदी से घोटेंगे। कई लोग साग को घोटने की बजाय ग्राइंडर से जग में ग्राइंड कर लेते हैं। उसका वो जायका नहीं रह होता जो साग का असली जायका इस मदी से घोटने से बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंद्रह मिनट तक हमने साग को घोटा है तो इस तरह का हो चुका है। अब हम इसमें नमक और मिर्चें डालेंगे। साबुत सुरख कुटी हुई मिर्चें डालेंगे हम 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालेंगे 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। साबुत मिर्चें हैं जो सुरख, वो साग में बहुत ज़्यादा जायका देती हैं। अभी थोड़े थोड़े ज़रे साग के जो बाकी हैं, मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको घूटेंगे। बाल दोस्त ऐसा करते हैं, साग को घोटते वक्त इसमें आटा डालते हैं। हम इसमें आटा नहीं डालेंगे। तो साग हमने घोट लिया है। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच। और सब्ज मिर्चें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। सुरख मिर्चें डालेंगे 1/2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालेंगे 1/2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह साग हमारा तैयार हो चुका है।
अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम साग को प्लेट में निकालेंगे। अब हम साग में मक्खन डालेंगे। मक्खन हमने घर का लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम बच्चों से कहेंगे कि टेस्ट करके बताएं हमारा जो साग है किस तरह का बना है। सहेब, हाँ जी, अनीब, खाएं और खाकर बताएं हमारा साग कैसा बना है। हाँ जी बेटा साहेब, बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ जी बेटा नेब, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों को साग का बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। आप भी घर पर बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका सरसों का साग कैसा बना है। अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल विल्ज फास्ट फूड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।